पक्षों से सामान उन्होंने और बाहर नहीं निकाला है, उन्होंने सेट कर दिया। ये वार्ड नंबर 3 शिवपुरी जी, बताएंगे जो आपके घर में चोरी उसके बारे में। अराउंड मेरी बहन का, बड़ी बहन का ही 1.5 लाख तक चला गया, और मेरा भी 10,000 एक हॉस्पिटल से कैश था, मैंने काउंट करके रखा हुआ था, और मेरी बैंक था एक, मतलब बुगनी थी, उसमें भी 4,000 तक कैश था, वो भी ले गया, बाकी चिल्लर तो पड़ी है बेड पे। और गोल्ड था, गोल्ड मेरी रिंग्स वगैरह, बहन का शादी से पहले का भी काफी गोल्ड था, वो भी ले गए हैं, और मेरी मौसी का है, उनका तो सब भी ले गए, मतलब ज्वेलरी सारी मैक्सिमम ले गए हैं वो उठा के। तो 2 बजे तो मैं ही गई थी, तो मतलब इतने बड़े घर में चोरी करना भी कोई इजी नहीं है, तो उन्होंने 2-2.5 घंटे तो चोरी करने में लगे होंगे, इतना ढूंढने कोई रखते से क्लोज वन ही है जिसने चोरी की होगी, जिसको पता होगा सबकी यहाँ पे इतना कुछ है, यहाँ जहाँ जहाँ ये चीजें हैं, ऐसे तो नहीं कोई चोरी का एकदम से घुसेगा तो उसको टाइम लगेगा। जब चोरी हुई आप लोग कहाँ थे उस समय, बता। मैं 2 बजे मैं ही थी लास्ट टाइम यहाँ पे, ताले वगैरह लगा के मैं ही गई थी हॉस्पिटल, मेरी ड्यूटी थी, मैं चली गई, और भैया मेरे लाइब्रेरी चले गए, बाकी घर वाले बरवाल गए हुए थे तो उसके पीछे। मैं किसी को पता होगा कि घर में कोई नहीं है समय? हाँ, वो तो जब बाहर उन्होंने गेट में ताला देखा होगा ना तो वो अंडरस्टूड होगा कि घर पे कोई नहीं है, तो वो क्या किसी पे कोई शक है वगैरह, कोई किसी को देखा आपने? नहीं, मैं जब गई थी गली पूरी खाली पड़ी हुई थी, कोई नहीं था आगे पीछे, तो इसलिए मैं किसी पे कह तो नहीं सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्लोज वन ही है जिसको पूरी नॉलेज। लगभग 4-5 लाख का नुकसान हुआ होगा। हाँ।